आप लोग पठान पठान पठान, उसके बाद मस्जिद मंदिर मंदिर मुस्लिम, अरे कभी बहन बेटियों पे आ जाओ, बेरोजगारी पे आ जाओ, लोग खुदकुशी कर रहे हैं उस पे आ जाओ, बेटियों को इलेक्ट्रिक शॉक देके मारा जाएगा। भक्तों से बात नहीं कर रहे हो, पंडित योगा शर्मा से बात कर रहे हो। जो केस तैयार होगा, जो रिपोर्ट तैयार होगी, वही तो कोर्ट में पेश की जाती है। पढ़े लिखे हो ना, अंकिता भंडारी हो, बिल्किस बानो हो, किसी को न्याय नहीं मिला इस राज्य सरकार में। जब देश में सरदार और मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे तब तो डर लगा नहीं, अब इन बेशर्मों की सरकार आ गई है, सारे पदे पर बैठ गए हैं, फिर भी डर लगता है। अरे हमें आज तक एक बयान नहीं सुना दिया, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, अरे आओ माफी मांगो। हम अगर सही नहीं होना ना, हम ऐसे हमें पागली रहने दो, हम गोबर को पूछते हैं खाते नहीं, तुम खाओ, अपना मन पवित्र कर लो। हमने देखा है कि कई मुद्दों में सरकार के नेता प्रत्यक्ष रूप से पकड़े जाते हैं, सरकार के नेता प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आतंकवादी गतिविधि ये नहीं कि बाह्य आतंकवादी, मतलब जिस तरह के उनके बयानात है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है। आज भी हमारे यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं है, 12 किलोमीटर तक बेटी घसीटी जाती है। 2 बहन हमारी यहीं पर आई हुई हैं, अभी एक बहन को के लिए हम न्याय मांगने आए हैं। दामिनी ढाई कैमरे पर दिखाइए, सब लोग दिखाइए दामिनी को, कि इसके लिए 5 महीने से हम न्याय मांग रहे हैं, मीडिया इंटरव्यू कर रहे हैं, उत्पीड़ित परिवार की माँ बहन पिता आज बैठे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन कोई सुनवाई सरकार में नहीं हो रही हमारी, कोई नहीं। हम वोट भी दें, टैक्स भी दें, उसके बाद भीख मांगे कि हमें न्याय दो, शर्मा रही है सरकार को। संतों की सरकार में ऐसा होगा? ये उत्तर प्रदेश की घटना है, अभी दिल्ली की घटना आपने देखी, पुलिस क्या मजाक बना रखी है महिलाओं के नाम पर। नारी सम्मान की होती रही बात किसकी भाई, बात करने से काम हो जाएगा क्या? तुम एक काम करो, ठंडी में खाली टी शर्ट पहनना बस, और हाफ नेक कर बात करना बस, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। क्या मजाक है? राहुल गांधी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बताओ? आज के इस जो भी प्रपंच है, आप लोग पठान पठान पठान, उसके बाद मस्जिद मंदिर मंदिर मुस्लिम, अरे कभी बहन बेटियों पे आ जाओ, बेरोजगारी पे आ जाओ, लोग खुदकुशी कर रहे हैं उस पे आ जाओ, बेटियों को इलेक्ट्रिक शॉक देके मारा जाएगा। पहले धर्म के लोग कह रहे बचेगा, उसके बाद ही ना कुछ होगा। पहले इंसान बचेगा फिर धर्म बचेगा। क्या धर्म ने ऐसी बताओ, जब जिंदा ही नहीं बचेगा, घंटा बजाने तुम जाओगे मंदिर पे, या नमाज पढ़ने कौन जाएगा मस्जिद पे, जब इंसान ही नहीं बचेंगे, कुछ नहीं मिलता लड़ने झगड़ने से, बात बिगड़ जाती है करने से। जब 2 लोग मरते हैं तो 1 इंसान मरता है, इंसानियत मर ही जाती है 2 कौमों के लड़ने से। आवाज वही हो रहा है, आपकी भावनाएं हाथ नहीं हो रही। किसके लिए आपकी भावना इसके लिए ना हाथ नहीं हो रही, दामनी के लिए या महिलाओं के लिए हाथ नहीं हो रही है? किसके लिए हाथ करवाना चाह रहे हो? अपनी बहन बेटियों के लिए हाथ नहीं होगा क्या? कोरोना काल में हमने ऐसे आदमी अपने परिवार को खोया, अब फिर नया कोरोना आया, उसके बाद महिलाओं के साथ 2 बहन हमारी वो वहाँ बयान दे रही है कि अमित शाह की पुलिस उनका आपका रिपोर्ट नहीं लिख रही है। क्या मजाक है भाई, कम से कम रिपोर्ट तो लिखो, जांच तो कराओ, पढ़े आपका नेता हो तो क्या हुआ। दावे भैया, दावे तो हम भी कर सकते हैं कि भैया जितने चैनल वाले हैं सब 5-5 करोड़ के मालिक हैं, दावा कर दिए। अब है नहीं इनके पास, तो कहा हम ऐसे फर्जी दावा कर दे। अरे सरकार है, दावे तो बड़ी बड़ी करती है, करती कुछ ना है। अगर धर्म बचा रही है सरकार, धर्म नहीं बचा रही सरकार हमारी, किसी तरह से हमारी जान चली जाए उस पर आ ही रहे कि जान कितनी जल्दी हम गवा दें, कितनी जल्दी हम मजबूर हो जाए भुखमरी कगार पे आने पे। ये जो महिला नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये भी तो महिलाओं के। अरे हमें आज तक एक बयान नहीं सुना दिया, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, अरे आओ माफी मांगो। गोवा में गाय का जीभ खिलाए, माफी मांगो। जितना मैं तो कर देखते रहा हूँ भाजपा, अभी इस बात ये उसमें क्या नाम है वित्त मंत्री, मैं ताई भी नहीं आ रही है भाजपा का नेता का मामला तब रहता है जब भाजपा के नेता बात आएगी तो उनका मामला होता है भीगी बिल्ली, नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान का मसाला आ जाए, फिर देखो चाहे आप लोग हो और चाहे भाजपा वाले हो, ये क्या हो गया बताओ बताओ, ऐसे कैसे हो गया? अरे भैया अभी भी तो हुआ है, क्या मिली सजा उसको, क्या मिली सजा उसको बताइए आप? आज पीड़ित परिवार ढूंढ रहा है ना, आज पीड़ित मांग कर रहा है ना, क्यों नहीं मांग कर आप लोग उसके साथ दे रहे हैं? क्यों नहीं पीड़ित परिवार के साथ दे रहे कि हम योगी के कार्यालय भी घेराव करेंगे इसके बाद? अगर आज हमने ज्ञापन दिया गया मंत्री को, काम ना होने दीजिए बताते हैं तो कैसे इन मामलों में पुलिस की भी मिली भगत होती है? काहे नहीं होती है, FIR बदल दी गई, 3-6 का 3-2 का मुकदमे को 3-6 का मुकदमा बना दिया, TC फर्जी निकलवा दी। नहीं मेरे मुकदमे को हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई मेरे मुकदमे को हो जाएगा आपका? बिना पुलिस के साठ गार्ड का फाइल बदली नहीं जाएगी। जो केस तैयार होगा, जो रिपोर्ट तैयार होगी, वही तो कोर्ट में पेश की जाती है। पढ़े लिखे हो ना,
पढ़े लिखे हो ना, हाँ वही बता रहे हैं। योगी जी तो बिल्डोजर चलवा देते अपराधियों पर। हाँ योगी जी कहते हैं मैं बिल्डोजर चलवा। तो कल की डेट में जो हमारी बहन के यहाँ जो अन्याय किया है उसी घर बिल्डोजर चल जाए, वो गिरफ्तार हो जाए, मुकदमा चेंज हो जाए, तो हम भी बैठ जाएंगे, मानेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन आज तो हमारी बहनों को 12 किलोमीटर घसीरा जा रहा है। अंकिता भंडारी हो, बिल्किस बानो हो, किसी को न्याय नहीं मिला इस राज्य सरकार में। महिलाओं की जितनी दुर्दशा था इस सरकार ने की है कि सरकार ने नहीं की है, सीधी बात है। अब अपनी क्या करें, अब एक्स्ट्रा सर्विस में अभी उससे एक्स्ट्रा सर्विस मांगी गई थी, अब क्या है सर्विस करवाएंगे क्या आप लोग? अभी तो उत्तराखंड में एक्स्ट्रा सर्विस मांगी गई है अंकिता भंडारी से, आप क्या एक्स्ट्रा सर्विस दिलवाओगे आप लोग? महिलाओं के नाम पे जिस तरह से सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, खुद प्रधानमंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके पास और कोई नया कानून है? एक निर्भया को देखकर जाने की परमिशन दी गई थी, आज कितनी निर्भया को हम देखेंगे? जो आप दे दीजिए आप लोग। प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगा रही हैं, हम इन सारे जगाना है। हम चाकू तेज नहीं करेंगे, हमारे पास कलम की ताकत है, संविधान की ताकत है, हम चाकू को की ताकत नहीं रखेंगे। अरे भैया जब देश में सरदार और मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे तब तो डर लगा नहीं, अब इन बेशर्मों की सरकार आ गई है, सारे पदे पर बैठ गए हैं फिर भी डर लगता है। हम कह रहे हैं भैया 14% मुसलमान है, मुसलमान को बना दो प्रधानमंत्री, खतरा ही खत्म हो जाए, वही खतरे में आ जाएंगे हम तो, कम से कम बच जाएंगे। इस्लामिक देश बनवाना चाह रहे हो क्या? वो तो आप बनवाना चाह रहे हो, चाहते हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। हाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, वो बुरा है क्या? अरे आए थे आंदोलन करने फिरोज गांधी के पोते हैं। अच्छा फिरोज गांधी मुसलमान है। अच्छा ही बताओ, देश निकाल देना चाहिए। बोलिए स्मृति ईरानी पारसी से शादी की, वो पारसी है कि हिंदू है बता? उनकी मन मर्जी है का है बता, बोले बोला उनका अधिकार है, अधिकार है राहुल गांधी का अधिकार है, तू उसका क्या बता रहे भाया है दलित करने, तू पहले हमें बता पति के नाम से पत्नी का होता है कि पत्नी के नाम से होता है? महिला कोई जात नहीं होती। अरे ऐसे नहीं, चुप रहो। तो इंदिरा गांधी की कोई जात नहीं थी, फिरोज गांधी हो तो गई, फंस गया तू, वो सोच समझ के आज भक्तों से बात नहीं कर रहे हो, पंडित जोगा शर्मा से बात कर रहे हो, दिमाग ठिकाने लगा के सवाल करना, दिमाग ठिकाने लगा के बौखला तो आप गए, एक सवाल जवाब नहीं मिल पाया। भाई स्मृति ईरानी को यात्रा से भारत जुड़ेगा नहीं टूटेगा बता रहे कौन, जिसको तोड़ना हो और जिनको जोड़ना हो, हम अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्यों बौखलाहट है भाई? इतना काम नहीं हो पा रहा है। जब इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी से शादी की तो वो पारसी हो जाती है, पर स्मृति ईरानी पारसी शादी करती है तो कट्टर हिंदू रहती है। अच्छी बताओ रवानी की दामाद कौन है, मुसलमान नहीं है? बस लगी कौन है बताओ? अरे क्या मतलब उनके दामाद जो राज क्या मतलब संविधान में लिखा प्रधानमंत्री नहीं है? सुनिए संविधान में लिखा है क्या ये लोग, तुम्हारा क्या है नया दस्तक? अब भाजपा वालों खुली छूट है, जो मन में आए वो कर लेगा, खुला है संविधान में लिखा है, कहाँ संविधान में लिखा दिखाओ, कौन से पेज नंबर? मनुस्मृति चल रहा है, मनुस्मृति चल रहा है, मनुस्मृति ने संविधान चल रहा है, हम संविधान चलाने चलाएंगे। अंजलि को न्याय मिल गया होता अगर संविधान चलता, अंजलि को न्याय मिल गया, न्याय तुम्ही लोग दिला देते हो ना, क्योंकि आप ही लोग गोदी मीडिया लेके चले जाते हो चुन्नू मुन्नू को डिबेट कराने के लिए रात शाम को। बताओ जब काम की बात करो तुम लोगों को समझ में आता राहुल गांधी टी शर्टें खराब हो गई। अरे तुम काम की बात करो, महंगाई भ्रष्टाचार की बहुत, तुम महंगाई की मान बहुत, महिला उत्पीड़न की बात। भाई वोट की चिंता तो आप लोग करिए जिनको वोट खरीदना होता है, भाई भाजपा वाले कहते हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है महिलाओं का, आज जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आज जो मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, मुद्दा उस पर बात करो ना। ईरानी की बेटी खुलेआम बीफ बेचती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, महिलाओं को आजादी मिल गई। भैया ईरानी की बेटी तो बहुत कुछ कर सकती है, साथ भी कभी बहुत तेरी बिकनी पहनी थी, दिखी नहीं फोटो, दिक्कत है। कांग्रेस की गलती है, महिला सुरक्षित नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम छोड़ दो, कल एक आदमी ने हमारे ट्विटर पे लिखा कि हम अब भी विपक्ष में अपनी भूमिका मानते हैं, तो हमने उसको रिप्लाई दिया कि तुम इस्तीफा लगाओ, अभी हम सत्ता में आते जवाब हर चीज़ का देंगे। जो कपड़े उतार के यही जंतर मंतर में टहले हैं, आज वो बताए ना कि महंगाई भ्रष्टाचार पे कुछ बोलेंगे, तो सत्ता में आना चाहते हो असली खेले हैं तो बदनाम करके। अच्छा ही बताओ, बदनाम को बदनाम नहीं किया जाता, तुम खुद ही बदनाम कर रहे हो कौन? अच्छा ही बताओ, ये बताओ 2 करोड़ रोजगार तुम्हें मिला, 15 लाख मिले, आ गए मेरे खाते में, आ गए, चलो डिटेल निकाल, ये क्या भाई सभी कैमरामैन दिखाओ इसको, 15 लाख मिला है, 15 लाख दर्शक को रोजगार मिल गया है। अच्छा देश तरक्की कर रहा है, डाटा है, बिल्कुल डाटा है, निकालो 8 साल में 7 लाख एनसीआरबी का निकालो, बेरोजगारी का निकाल लो, खाली हो के ऐसे बात मत करना, अपवाद मत गिनाओ हमको, हमें मत बताओ, हमें ना बताओ, तुम्हारे तुमको माइक मिल गया है, ये तुम्हारा रोजगार है, और तुम्हें पेमेंट इसकी मिलती है दलाली करने की, सीधी बात ये है। कोई खतरे भाई, मैं खतरे में नहीं हूँ, ये मुझे ये मोहम्मद समीर, रुक जाओ, ये मोहम्मद समीर है, कहाँ खतरे में हम लोग?
यूँ तो बताओ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितना जितना जितना रोजगार आया है वहाँ, जितना डेवलपमेंट वहाँ हुआ है या और भी राज्यों में देखिए आप, जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, रेप, अशिक्षा, गुजरात में 6,500 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? पहले सुन तो लीजिए, सुना करिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से करोगे? गोबर में रहने दिमाग में समझ में नहीं आता कोई चीज। सुनो, अरे गोबर नहा लीजिए, आप नहाओ, आप हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हम अगर सही नहीं होना ना, हम ऐसे हमें पागली रहने दो, हम गोबर को पूछते हैं, खाते नहीं, तुम खाओ, अपना मन पवित्र करो। गोबर पूछते हैं? हाँ, बंद करा दीजिए स्कूल कॉलेज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के परिपेक्ष में जो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बिहार गए, बिहार में 1,25,000 करोड़ की घोषणा दी, कुछ नहीं मिला, वहाँ भी रेप होते हैं, वहाँ भी लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, गुजरात की ताजा शराब वहाँ बिकती है, लट्ठा कांड वहाँ होता है, रेप वहाँ होता है। आपने प्रधानमंत्री से पूछे ना, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो बताएंगे आपको, जवाब देंगे कि हमारे हम लोग पीड़ित हैं या नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहन बेटियों को न्याय मिलने के लिए हम लोगों को हर दिन रोडों पे बैठना पड़ेगा। क्या ये चीज सही है? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हाथरस कसम खाओ अपने इस माइक की, कसम खाओ इस धरती माँ की, हाथरस की बेटी के लिए और उन्नाव के लिए कौन सा स्कॉट आया था बताओ? कौन स्कॉट आया था? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पटाओ, स्लिप हो गई थी कुछ, चलो ठीक है, ऐसे ही होता है, देश भी ऐसे स्लिप हो जा रहा है आजकल। हाँ वही टंग पंख जो भी है, जीप जो खिलाया गया था गोवा में, बाद में आरटीआई में मालूम चला कि स्मृति ईरानी के पति के नाम पे वो बार है। तो पंडित जी ये बताइए, महिलाएं क्या करें आखिर न्याय? महिलाएं कुछ ना करें, बेलना चप्पल जूता सब है, वो शक्ति अपनी दिखाएंगी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी महिलाओं को, हमारी बुजुर्गों को, जितनी विधवा हैं 2024 में, दो जितनी विधवाएं हैं उनको 3 सिलेंडर मुक्त दिया जाए, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको 2,000 रुपये मासिक पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1,000 दे, जिंदगी गुजर जाएगी। आप सुन तो लीजिए, आप लोगों को कुछ गरीबों को मिलने लगे, आपके जेब में जैकेट को पैसा छूट दो। दे दिया उज्ज्वला योजना दे दिया, अब 12 सिलेंडर कर दिया, 10 सिलेंडर दम बताओ, बड़ा तुमको मोदी के नाम होली दीपावली 26/15 फ्री है। आप हम कह रहे हैं सिलेंडर का दाम बताओ, सिलेंडर के दाम बताओ, अरे 1100 रुपए, 1200 तो क्या हुआ 1200? ओह हो, कमाई बढ़ गई है। कितनी? 35,000 लोग कमा रहे हैं, 35,000 कमा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।